नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एनके एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पीटीटी वालों के लिए आई एक बुरी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अब 2 साल वाली पीटीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं बीएड के लिए, वो अब नहीं करवाए जाएंगे। ऐसे में अब सरकार ने कौन सा एक नया नियम लागू किया है और कौन सा एक नया कोर्स लागू किया है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। शिक्षक बनने का एकमात्र सारा आप लोगों के लिए क्या है, तो यार इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। शिक्षक भी 2 प्रकार से बने जाते हैं, एक तो बीएड करके, एक बीएसटीसी करके। यदि दूसरी तरफ है कि बीएसटीसी करने वाले तो बन सकते हैं, और बीएड करने वालों के लिए 2 साल का क्या रियल में कोर्स बंद कर दिया है, इसकी पूरी की पूरी अपडेट है वो वीडियो में बता दूंगा। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक अफवाह चल रही है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे में यह चीज़ सही है कि 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम जारी रहेगा, इसका मतलब इसके लिए आपको किसी अन्य कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, सुशील राघव ने न्यूज दी है 26 नवंबर की, देश में स्कूली की गुणवत्ता को बेहतर करने के उद्देश्य से बीएड पाठ्यक्रम को 4 वर्षीय करने को 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय किया गया था, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के तहत या प्रारूप में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को आगे भी जारी रखा जाएगा। इसी साल फरवरी में दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के प्रधानाचार्य ने संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अगले साल में एकीकृत 4 वर्षीय बीएड शुरू करने का ऐलान किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे शिक्षक चाहिए जो कुछ नहीं करने की वजह से शिक्षक बने हो, बल्कि हम ऐसे शिक्षकों के दरकरार है जो मन से शिक्षक बनने या बनने के लिए दरकरार हो या शिक्षक बनने का पैसा रखते हैं, इसलिए 4 वर्षीय हम लोगों के लिए जो बीएड है वो हम बंद कर रहे हैं। ऐसे में मित्रों, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि 4 वर्षीय बीएड जारी करने का उन्होंने ऐलान था, लेकिन अभी अभी ये चीज़ फिक्स है कि 2 वर्षीय बीएड है वो जारी रहेगी। ऐसे में यदि आप लोगों के कुछ और डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर लेना। इससे पहले दोस्तों, अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप डाउट नोट के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पर जाकर आपके क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके उन्हें सेंड कर सकते हो। आपके क्वेश्चन का आंसर ओनली 10 सेकंड के अंदर दे दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसी भी डाउट नोट के अंदर व्हाट्सअप नंबर है 8, जो मैंने आपको नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मैं ये भी चीज़ बता रहा हूँ कि यदि आपके किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप डाउट नोट को ज्वाइनिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ये बिल्कुल निःशुल्क है, जो आपको क्वेश्चन के आंसर 10 सेकंड के अंदर अंदर दे सकते हैं। देख लेना नंबर 8400400400, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।